ये बड़े भैया बैठ जाइए सर। वो माइक दे दो यार, माइक किसके पास है? रुके आंदोलन दिशा नहीं लेके जाना चाहते, समझ रहे हो? क्योंकि हम तुम्हें से एक हैं, तुम्हें परिवार मानते बता दें। मैं खुद अपनी तरफ से मिलने के लिए एप्लीकेशन करूंगा, मेल करूंगा उनको राष्ट्रपति। अगर तुम्हारे मन में इसके अलावा कोई और हल है, ऐसे हल हो तो कोई खड़ा होकर बताए, उस हल पे भी हम लोग चर्चा कर ले। हम लोग सुबह से यहाँ इसलिए बैठे कि हमारी बात आगे बढ़े, हमारी बात पे चर्चा हो, हमारी सुनवाई हो, हमारी बात को सुना जाए। क्योंकि अगर वो हमारी बात सुनेंगे तभी तो हमारी बात समझेंगे। अगर तुम मुझे अपनी पीड़ा नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी लड़ाई कैसे लड़ूंगा, समझ रहे हो? तो जब गृह मंत्री हमारी पीड़ा सुनेंगे तभी तो चर्चा आगे बढ़ेगी, समझ रहे हो? वो डेलीगेशन गया है समय लेने के लिए कि गृह मंत्री की समय दे। लेकिन मुझे एक बात आप लोगों से भी कहनी है सर, किसान कितने दिन तक थे सड़क पे? एक साल। एक साल कितने का किसानों ने शहादत दी इस बीच में? 700 प्लस। कितने किसानों ने जेल काटी? अकेले हरियाणा में 45,000 मुकदमे थे। कितने मुकदमे? 45। आपको लगता है ये बहरी सरकार एक दिन आपके इकट्ठे होने से आपकी बात सुन लेगी? नहीं। हौसला क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो नौजवान देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान है, वो अपने हक अधिकार के लिए हौसला क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों वो एक दिन बुलाए पाता है? 54,000 लोगों को नियुक्ति चाहिए, क्यों 54,000 लोग तुम्हारे इकट्ठे नहीं हुए? कारण समझ रहे हो? क्योंकि हर आदमी चाहता है कि बिना कुछ किए मिल जाए। क्या आपको लगता है जो अधिकार आपका छिन गया वो बिना कुछ लड़े मिल जाएगा आपको? नहीं सर। बस जो अधिकार आपका बैठना वो सरकार नहीं देगी, तो जो छीन लिया गया वो कैसे लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा। छीनने के लिए क्या चाहिए? संख्या, शक्ति। अरे लोकतंत्र है सर, अगर आप अपने हक के लिए मुखर नहीं होंगे और ताकतवर तरीके से अपनी बात नहीं रखेंगे तो कोई भी बनेगा सर, समझ आ रही है? अगर ये हमारी मांग नहीं सुनते ना, हमें कोई और तरीका तैयार करना पड़ेगा किसानों की तरह। जो सरकार हमें रोजगार नहीं देगी, हमारी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करेगी, और अगर हमारे प्रदेश में चुनाव है तो हम उनको रैली नहीं करने देंगे, ज्यादा ज्यादा क्या करके हमें जेल भेज देगी ना, तो भेज दे, क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन हम जब उनकी रैली होगी तो जाकर की मांग उठाएंगे, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनको हमने वोट दी थी, हम उनसे सवाल करेंगे। हमें कई रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे, लड़ना है नहीं लड़ना है पहले बताओ। लड़ना है तो सर आंदोलन जो है ना, आंदोलन के तरीके चलेगा। आज आपने अनुशासन बैठक क्या साबित किया पता है? कि जो व्यक्ति अनुशासन में बैठ सकता है वो इशारा मिलने पे बैरिकेटिंग को भी उठा के बैठ सकता है, समझ रहे? आपके अनुशासन का की खबर गृह मंत्रालय में, कमिश्नर ऑफिस में, पीएमओ में चली गई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे लोगों को समय दे और बात करे आपसे, क्योंकि मैं भी अगर आपका मुद्दा रखने जाऊँ तो आपसे अच्छी तरह नहीं रख सकता हूँ। क्या एसएससी जीडी वाले बच्चों ज्यादा सीधा मैं रखूंगा मुद्दा? आप ही रख सकते हैं, क्योंकि तकलीफ आपको है।
मैं चाहता हूँ कि वहां से क्या खबर आई, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर रुकना भी पड़े, यहीं बैठना पड़े, तो पीछे नहीं हटना, तब जाके जीतेंगे सर। यहीं बैठेंगे सर। क्या किसान घर चले जाते थे अपने? नहीं। 11 महीने के साल किसानों ने अपने परिवार के लोगों का मुंह देखा, अपने घर का दरवाजा नहीं देखा, तब जीते वो लोग। आप सोचो एक दिन आओगे, सरकार को नहीं पता कि आप एक दिन आगे चले जाओगे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनको पता आएंगे जाया था क्या करेंगे, मरीज खाने ले जाएंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे। क्या सरकार को नहीं पता कि आप लोग एक दिन लड़ने वाले हो? जिस दिन सरकार को पता लग गया कि आप लड़ने के लिए तैयार हो और मोर्चा लेके बैठ गए हो, उसके बाद सरकार आपसे बात करेगी, समझ रहे हैं? यस सर। अभी आने दो खबर। लेकिन मैंने देखा कि मेरे उधर जाने से आप लोग इधर उधर घूमते फिर रहे थे। अनुशासन में बैठो, बैठो। जो लोग बैठ नहीं सकते वो लोग नहीं लड़ सकते, जिसको जहां जगह मिले वो बैठे, समझ रहे? पढ़े लिखे लोगों से बात हो रही है। किनसे बात हो रही है? पढ़े लिखे लोगों से। पढ़े लिखे लोगों से, उनके देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर आर्मी का जवान अपनी ड्यूटी छोड़कर से घूमता फिरेगा तो क्या होगा देश की सेवा का? सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी ना, सुरक्षा मजबूत रखो। अगर ये पुलिस के लोग बैरिकेडन छोड़कर चले जाए तो उनको नहीं पता तुम लोग चले जाओगे, समझ रहे हो? तो बैठो, अनुशासन बैठो। वो गाने की आवाज खत्म होगी, हमने कहा कि वो गाना सुना दो, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, अब वो गाना ही देखो सुना नहीं पाए। आप कोई अगर कई माइक वैक की व्यवस्था तो गाना सुना दो। लाइट काट देते हैं 5 बजे, हम यही तो कहें, उनको पता है कि तुम 5 बजे बाद चले जाओ, तभी तो लाइट काट दिए। नहीं सर, आप तो रात में यहीं रहेंगे। अब वो करे क्या? अब वो एसी भी करे, वो देख रहे थे ये कर रहे थे, मतलब उसके खिलाफ जो है ना दो छापे मार देते हैं, तो वो क्या करे बेचारा? अच्छा अगर जेल जाना पड़ा एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा कितने लोग जाएंगे? एक साल है जिंदगी भर। एक रहो बेटा, मन हाथ पड़े। एक हफ्ते के लिए जाना पड़ा कितने जाएंगे? एक महीने के लिए अगर जाना पड़ा दोनों हाथ उठाएंगे। रोटी चाहिए, देखो रोटी बहुत अच्छी मिलती है तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में रोटी बड़ी अच्छी मिलती है, मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन रोटी अच्छी मिलती है। हम तो दो दो बार खा के आए, हमें तो पता है अच्छी जगह है तिहाड़। चलो देखो उनको खबर आने तो क्या बताते हैं, ठीक है? फिर कह रहे हैं जो आपके आसपास है, जिसको आप परिचित है, जानते हैं, जब आप आंदोलन की भूमिका आए तो उसको भी कहीं चलिए ना सर। कहा इंतजार देख रहे हैं कि भारत माता घर ही चल के आए कि लगाओ जिंदाबाद के नारे, क्या कर रहे हैं? किसान अगर अपने हक के लिए ना बढ़े तो आज जीतते नहीं किसान, समझ रहे हो? हाँ बैठ जाओ अनुशासन में। एक आधा आदमी जिसका बोलने का मन हो बोल लो, माइक नहीं है तो बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, बहुत यहाँ हो यहाँ बाकी लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने पता कर, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, लेके बैठ जाओ। हाँ बैठा है, आप सभी लोग बैठ जाओ, कृपा भाई पीछे वाले एक बात समझ के नहीं आती है, बैठने के लिए बोला गया है, आप बैठ जाओ। आ गया सभी भाई, दिल्ली में एक चीज करके आए हैं, हम 11 महीने से दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, 5-6 बार हमारे साथ, 3-4 बार जेल में, 3-4 बार जेल में।
भाई अगर थोड़ी बड़े हो है मैं भी करा रहूँ कि अगर चाय बिजली हो जाए मैं भी पहले खड़ा रहूंगा क्योंकि अगर मेरी सपना अगर सरकार मेरी सपना तोड़ सकती है तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। बचपन से ही मुझे वर्दी के शौक है, मैं सोचता हूँ कि वर्दी पा जाऊंगा। हमारे और रही बात एक बार हमें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए, सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए और इसकी बात को सरकार को संज्ञान में लेकर के युवाओं के भविष्य की बात मत करो वरना भविष्य आप खिलवाड़ करेंगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया कि ग्यारह महीने से इतना पैसा नहीं है कि हम टिकट के लिए पैसे हैं न बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था है न यहाँ रहने की व्यवस्था है। कम भैया का क्या था हमारे पहनों को भाइयों से सारा व्यवस्था खाली लेकर मैंने देखा पैसा तो हम चंद्रशेखर भैया के साथ में कंधा से कंधा अगर बड़े भैया हमारे साथ खड़े हैं, हमारी आवाज को उठाए हैं, हमको न्याय दिलाने के काम किए हैं तो सिर्फ चंद्रशेखर भैया ऐसे इंसान है जो कि हमें हमें हमारे साथ और सरकार ने मेरी आपको कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनका फोन चार्ज है आप शादी के फोन चार्ज कितने लोगों का हाथ में फोन चार्ज कितने लोगों का है भाई चालू है भाई कहा
स्टेडियम तो तीन बच्चों का भविष्य है, आप लोगों ने धोखा लगाया। सुबह से ही इन्हीं सभी लोगों के बीच में चंद से हमारी बहन बेटियां भी है यहाँ पर, सुबह से बहुत परेशान।